नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट माइंड स्पिरिचुअल। ये साल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और इसी कड़ी में अभी साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पंचांगों के मुताबिक इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को लगेगा। 4 दिसंबर को अमावस्या यानी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष तिथि है। इस बार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत में इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है उसका असर खासतौर पर राशियों पर पड़ता है। इस बार भी सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देगा, किसी पर नकारात्मक तो किसी पर सकारात्मक। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की छवि पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाते हैं। जैसा कि अनुमान ग्रहण लगने पर सूत्रकाल लग जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल 4 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक उपछाया है। उपछाया होने पर सूत्र के नियमों का पालन नहीं किया जाता। आमतौर पर सूत्रकाल तब लगता है जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूत्रकाल में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। हाँ, बेशक आप कुछ सावधानियाँ बरत सकते हैं। बता दें कि इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण शुक्रवार 19 नवंबर 2021 को लगने वाला है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और लगभग 6 घंटे तक चलेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।